हेलो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1.24 ऑफ एक्सरसाइज एंड द क्वेश्चन इज टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ अपोजिट साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ 17 × 10⁻²। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जो गिवन है, ये दिया हुआ है हमारे पास एक लार्ज मेटल प्लेट है, ये हमारे पास फर्स्ट मेटल प्लेट हुई और इसके बगल में एक दूसरी लार्ज मेटल प्लेट रखी हुई है ये। अब ये सेम साइज बहुत बड़ी बड़ी है, ये पास पास रखी हुई है और इन पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, उसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 17 × 10⁻²² कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अब उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है और एक और चीज दी हुई है, डेंसिटीज ऑफ अपोजिट साइन, ये से दिस इज ए दिस इज बी, इसका जो सिग्मा है इसके पास प्लस सिग्मा है यानी कि प्लस चार डेंसिटी है, इसका जो सिग्मा है वो कैसा है, वो माइनस सिग्मा है, माइनस चार डेंसिटी है इसकी, ठीक है ना। अब उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, एक क्वेश्चन है, व्हाट इज आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट, फर्स्ट प्लेट के आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखो फर्स्ट प्लेट के आउटर रीजन में इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो ई ए की वैल्यू होगी इस डायरेक्शन में। अब इस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो इस वाली प्लेट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज टूवर्ड द चार्ज, तो ई बी की डायरेक्शन ये हो गई। देखो ये लाइन याद रखना अगर तुम्हें नहीं पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज अवे फ्रॉम इट एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑलवेज टूवर्ड्स इट, ये बात याद रखना। तो हमारे पास पैरेलल प्लेट की एक हमारे पास लार्ज प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है हमारे पास E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्साइलन, ये वैल्यू होती है, डेरिवेशन हमने किया हुआ है बुक में, तो ये चेक कर लेना, ये होती है हमारे पास एक प्लेट की वजह से। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ई ए और ई बी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, लेकिन जो ई ए और ई बी की डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो ये माइनस ई बी कर देंगे, ई ए की वैल्यू कितनी होगी सिग्मा बाई 2 एप्साइलन नॉट और ई बी की वैल्यू भी कितनी होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्साइलन नॉट, तो कितना आ गया, 0 आ गया, जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि इन आउटर स्पेस ऑफ ए, इन आउटर रीजन ऑफ ए, ए के आउटर रीजन में कितना हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, ई नेट की वैल्यू कितनी आई है, ई नेट की वैल्यू ई ए माइनस ई बी, माइनस क्यों किया, क्योंकि दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है यहाँ पे साफ दिख रहा है हमें, तो ई नेट की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। अब सेकंड पार्ट पता करते हैं, दैट इज आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट, आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट, सेकंड प्लेट के आउटर रीजन में कितना होगा, तो सेकंड प्लेट के आउटर रीजन में होगा हमारे पास सेम, देखो ये पॉइंट मान लू मैं, इस नेगेटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मैंने बोला है तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड नेगेटिव चार्ज, तो इस वाली प्लेट की वजह से तो ई बी इधर की तरफ होगा और ई ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। नाउ अगेन द इलेक्ट्रिक फील्ड आर हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, तो ई नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई नेट की वैल्यू हो जाएगी ई ए माइनस अगेन ई बी, दोनों का डिफरेंस, ईए की वैल्यू कितनी होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्साइलन माइनस ईबी की वैल्यू भी कितनी है सिग्मा अपॉन 2 एप्साइलन अगेन 0। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका भी आंसर 0 और ये जो सेकंड पार्ट है इसका भी आंसर 0। नाउ कैलकुलेट बिटवीन द प्लेट, तो बिटवीन द प्लेट वाला जो पार्ट है उसमें देखो क्या होगा हमारे पास, द इलेक्ट्रिक, इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर रहे हैं दोनों प्लेट के बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो ईए की वैल्यू होगी इधर यानी कि इस वाली प्लेट से दूर, इससे कहीं दूर, एंड टूवर्ड द नेगेटिव चार्ज बी वाली प्लेट की तरफ, तो बी वाली प्लेट की तो डायरेक्शन ये होगी, तो जो सी पार्ट आएगा हमारे पास उसमें ई नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई नेट की वैल्यू हो जाएगी ई ए प्लस ई बी, ये हो जाएगी ई नेट की वैल्यू और ई ए की वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्साइलन प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्साइलन नॉट, तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्साइलन नॉट, इसे कैंसिल आउट कर देंगे तो रिजल्ट विल बी सिग्मा अपॉन एप्साइलन नॉट, तो सी पार्ट का बिटवीन द प्लेट जो ई नेट की वैल्यू होगी वो सिग्मा अपॉन एप्साइलन नॉट होगी। होपफुली दिस विल हेल्प यू, थैंक यू।